हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डीआरएक्स मेड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंजेक्शन। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ इंजेक्शन और उनके साइट्स, मतलब वो कहाँ लगाए जाते हैं। तो वीडियो में बने रहना, चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। दोस्तों, जो हमारा नंबर वन पर है वो है इंट्रावेनस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IVV कहते हैं। ये डायरेक्टली हमारे वेन में लगाया जाता है। जो हमारा इंट्रावेनस IV इंजेक्शन होता है, ये 25 डिग्री एंगल में लगाया जाता है। ये जो इस रूट के थ्रू दिया जाता है, जो इंट्रावेनस जिसे हम IV कहते हैं, इसके वजह से जो मेडिसिन का एक्शन है बहुत ही जल्दी होता है। और तो और ये डायरेक्ट इन्फ्यूज़न भी कर सकते हैं, हम डायरेक्टली लगा भी सकते हैं। तो ये हमारा इंट्रावेनस के बारे में। जो हमारे दूसरे नंबर पर इंजेक्शन है, उसका नाम है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, जिसे हम IMB कहते हैं। इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन ये डायरेक्टली हमारे डीप मसल पे लगाया जाता है। और तो और, जब आप इंट्रा मस्कुलर IM इंजेक्शन लगाते हैं, तो ये 90 डिग्री एंगल पर ही लगाया जाता है। जो हमारा इंट्रा मस्कुलर जिसे हम IM कहते हैं, ये वाटर और एक्वस सॉल्यूशन को बहुत ही जल्दी एब्जॉर्व करता है। और यही देखा गया है कि जो ऑयलस सॉल्यूशन होता है, जो भी हमारा ऑयली सॉल्यूशन हो, उसको बहुत ही स्लो एब्जॉर्व करता है। और ये मोस्टली हमारा, आपने देखा होगा, आपके थाई पर या तो आपके शोल्डर पर, जैसे कि आप इमेज देख रहे हो, ये मोस्टली इसी जगह पर लगाया जाता है हमारा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। जो हमारे तीसरे नंबर पर है वो है हमारा सबक्यूटेनियस, जिसे हम SC इंजेक्शन भी कहते हैं। जो ये हमारा सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है, ये हमारे फैटी लेयर, जैसे कि आप देख रहे हो इमेज में, स्किन और मसल्स के बिटवीन जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है, उसमें लगाया जाता है। और जो इंजेक्शन लगाने का तरीका है, ये हमारे 45 डिग्री एंगल, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, 45 डिग्री एंगल पे ही इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसके वजह से जो मेडिसिन है बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब होती है। और फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आप देखते हो कि इंसुलिन का इंजेक्शन होता है, ये मोस्टली सबक्यूटेनियस टिश्यू पे ही लगाया जाता है, जिससे बहुत ही जल्दी एक्शन में आ जाता है। आपने देखा होगा, जो डायबिटिक पेशेंट होंगे, बहुत लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, तो वो सबक्यूटेनियस टिश्यू पे ही लेते हैं। जो हमारा इंट्राडर्मल इंजेक्शन है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, ये इंजेक्शन हमारे सुपरफिशियल एपिडर्मिस लेयर ऑफ स्किन, मतलब स्किन के सुपरफिशियल एपिडर्मिस में लगाया जाता है इंट्राडर्मल। और जो इंजेक्शन एंगल देखा गया है, ये 10 से 15 डिग्री के बिटवीन होता है। जो हमारा इंट्राडर्मल इंजेक्शन है, ये मोस्टली, जो इसके एग्जांपल देखा गया है, ये डायग्नोसिस करता है मेडिसिन की सेंसिटिविटी को चेक करने के लिए ही इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन इंट्राकार्डिक, जो इंट्राकार्डिक इंजेक्शन है, ये मोस्टली हार्ट मसल और उनके वेंट्रिकल्स में ही लगाया जाता है। जो हमारा इंट्राकार्डिक इंजेक्शन होता है, ये मोस्टली इमरजेंसी कंडीशन में ही लगाया जाता है। और जो इसका एग्जांपल है, एफिनेफ्रिन इंजेक्शन। और ये जो इंजेक्शन है, ये इमरजेंसी में इंट्राकार्डिक में ही लगाया जाता है। और जो हमारा इंट्रा आर्टियल इंजेक्शन है, ये जो इंजेक्शन है, ये मोस्टली हमारा कार्टोकार्ड और वर्टेब्रल आर्टरीज में ही लगाया जाता है। और ये मोस्टली जब इस्तेमाल किया जाता है, अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया हो, तो उस समय किया जाता है, जिससे वो एफिकेसी कर सके कीमोथेरेपी, जो कि इसके ब्रेन ट्यूमर में हो रखा हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि जो हमारा टाइप्स ऑफ इंजेक्शन है और उसके साइट्स है और रूट ऑफ इंजेक्शन है, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो।